खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। कड़पा में आज 18 दिसंबर को तहफ़ुज़ नामूसी रिसालत कॉन्फ्रेंस नेक नाम खान कला क्षेत्र में तमाम से शिरकत की अपील, हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। आस्थाने मखदूम हिलाई में तकारीब उर्स शरीफ हजरत ख्वाजा सैयद शाह आरिफुल्ला मोहम्मद मोहम्मद हुसैनी का आज 18 दिसंबर से आगाज, सिने रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ, समाप्त करते हैं। कड़पा में आज 18 दिसंबर को तहफ़ुज़ नामूसी रिसालत कॉन्फ्रेंस नेक नाम खान कला क्षेत्र में तमाम से शिरकत की अपील, हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। तहफ़ुज़ नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी कड़पा की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस आज रात 8:30 बजे नेक नाम खान कला क्षेत्र में मुनक्किद होगी, जिसमें शहर कड़पा के तमाम उलमा व मशाइकीन इज़ाम शिरकत करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद अली बगदादी ने आवाम से इस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा से ज्यादा शिरकत की ख्वाहिश की है। जमीन पर 18 दिसंबर 2021 को बाद नमाज ईशा नेक नाम खान कला क्षेत्र में शहर के तमाम उलमा इकराम, तमाम मकातिब व मसालिक के उलमा, हुफ्फाज, मशाइखीन और जिम्मेदारों की सरपरस्ती, निगरानी और तायीद के साथ एक अज़ीम-ए-शान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है, जिसमें उलमा इकराम के खिताबात होंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अथर पर जो कुछ मुखालिफत हो रही है या इस्लाम की जो मुखालिफत हो रही है उसका मुदल्लल इल्मी जवाब उलमा इकराम के बयानात के जरिए से होगा। इंशाअल्लाह शहर के तमाम उलमा, मशायख, सादात इकराम और अमाईदीन इंशाअल्लाहुल अज़ीज इस कॉन्फ्रेंस के रौनक होंगे और खुसूसी तौर पर हैदराबाद से तशरीफ लाने वाले शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद शाह सगीर अहमद साहब क़िबला मदरसा-ए-उलालिया का भी इसमें खुसूसी खिताब होगा। आप तमाम मुसलमान भाइयों से फर्दन फर्दन मैं इल्तिमास करता हूँ कि आप कसीर तादाद में अपने साथ दोस्तों अहबाब को लेकर इस अज़ीम-ए-शान तहफ़्फ़ुज़े नामूसी रिसालत कॉन्फ्रेंस में हफ्ते के दिन 18 दिसंबर 2021 को बाद नमाज़ ईशा ठीक 8:30 बजे वक्त की पाबंदी के साथ शिरकत फरमाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत का सबूत पेश करें। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला इस होने वाले कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए और तमामी उलमा इकराम, मशाइखीन और सादात इकराम, अमाईदीन और तमाम मुसलमानों को अजर अजीम नसीब फरमाए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आस्थान मखदूम हिलाई में तकारीब उर्स शरीफ हजरत ख्वाजा सैयद शाह आरिफुल्ला मोहम्मद मोहम्मद हुसैनी का आज 18 दिसंबर से आगाज, सिने रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। रियासत आंध्र प्रदेश के शहर कड़पा में वाक़ आलमी शहरीत याफ्ता आस्थाना मखदूम हिलाई में आज सुबह से तकारीब उर्स शरीफ हजरत ख्वाजा सैयद शाह आरिफुल्ला मोहम्मद मोहम्मद हुसैनी चिश्तुल कादरी का आगाज हो रहा है, जो 25 दिसंबर तक चलेगा। इस मरतबा कोरोना वायरस की वबा को देखते हुए सदर शरीफ और उर्स शरीफ की तकारीब में सिर्फ चंद अफराद को ही दाखिला रहेगा। समाखवानी, मुशायरा, जुलूस और मेले को मनसूख कर दिया गया है। आस्थाने के नाजिम अमीर ने बताया कि आज सुबह 10 बजे से प्रोग्राम का आगाज होगा। सुबह 10 बजे फुकरा के साथ नागराजपेट में वाक़ बादुल्ला साहब मकान पहुँच कर फातह की जाएगी। शाम 6 बजे अमीन एजुकेशनल ट्रस्ट का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। रात 9:30 बजे सदर शरीफ सज्जादा नशीन आस्थाने मखदूम इलाही हजरत आरिफुल्ला हुसैनी साहब के मकान से बरामद होकर दरगाह शरीफ पहुंचेगा। मुंतजमीन दरगाह शरीफ ने तमाम अफराद को कोरोना वायरस की पाबंदियों को सख्ती से अमल करने की अपील की है। వెహికల్ అడ్డంగా పార్క్ చేసినా కానీ మనకు రాగదర కానీ ఇలాంటి కనుక మాకేదన్నా కొద్దిగా చెప్తే కూడా లోకల్గా ఉండేటి వాళ్ళు చెప్తే మేము తీపిస్తాం, వాళ్ళు 100% మనం కోఆపరేషన్ చేస్తారు. అట్ ది సేమ్ టైమ్ మనము వాళ్ళతో పొలైట్గా బిహేవ్ చేసుకునేసి మనం జాగ్రత్తగా చూసుకొని అలాగే ఇక ఇప్పుడు కోవిడ్ నార్మ్స్ ప్రకారమే జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాలు కూడా, దర్గా ఉత్సవాలు కాబట్టి మీరు టెన్షన్ పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇన్సైడ్ దర్గాలో ఎంతమంది అలో చేయాలి అనేటువంటిది వాళ్ళు చెప్తారో ఆ ఇన్సైడ్ దర్గాలో అంతమంది దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా కూడా విధంగా పిలుపు తీసుకోరు. ఆ టైంలో మనం ఏమంటే ఆ దర్గాలో ఉండేటువంటి గేట్స్ కానీ ఈ పక్క ఉండేటువంటి గేట్స్ మనము క్లోజ్ చేసుకోవడము,
వెహికల్స్ మనం వచ్చేటువంటి వెహికల్స్ మొత్తం మీరు వచ్చేటువంటి ఇప్పుడు బిఎంపల్ కానీ ఇలాంటి మన టౌన్లో వచ్చే మీరు తెచ్చే వెహికల్స్ మొత్తము ఇక్కడ లోపల ఉంది నజమాన్ స్కూల్ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ ఇన్సైడ్ వచ్చినా కానీ మీరు అక్కడ పార్క్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే మనమే దాదాపు ఒక 50 మంది ఉంటాం, 50 వెహికల్స్ ఇక్కడ పెట్టే కనుక ఇక్కడ మనకు కంజెస్టెడ్ క్లంజింగ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఏం పెట్టద్దని దయచేసి మన వెహికల్స్ అన్ని అపక పెట్టుకోవాలా. మీకు ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్స్ కానీ మీకు ఏదైనా ఎమినిటీస్ మొత్తము మన రాఘవేంద్ర ఎస్ఐ గారు అవన్నీ చూసుకుంటారు. మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఏం కావాలన్నా కానీ మీరు కావాల్సింది ఏమంటే మాస్క్ వేసుకునేసి జాగ్రత్తగా ఉంటూ కోవిడ్ నార్మ్స్ ప్రకారం మీరు చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మీది. ప్రాంతంగా డ్యూటీకి ఎగరగొట్టకుండా మీరు రావాల్సినటువంటి వచ్చేటప్పుడు नाजरीन ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात. जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें. अब लेता हूँ मैं इजाज़त, खुदा हाफिज़.